हेलो फ्रेंड्स, तो मुझे आप लोगों को एक कहानी सुनानी है, छोटी सी लेकिन बात बहुत बड़ी सी है। तो बहुत साल पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने वुल्फ को डोमेस्टिकेट किया। डोमेस्टिकेट करने के बाद धीरे धीरे ब्रीडिंग करते करते वो डॉग्स में कन्वर्ट हो गए, ट्रेन हो गए, हमारे सोसाइटी का हिस्सा बन गए। और कोई हमारे लिए चौकीदारी का काम करता था, तो कोई हमारे लिए प्यारा सा टैग बन के हमारे साथ रहने लग गया। पर इसमें जो परेशानी शुरू हुई वो तब हुई कि जब हमारे पास सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा आ गई, अब हमें डॉग्स की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में हमने एक नया सोल्यूशन निकाला। क्या सोल्यूशन निकाला? पिछले 3-4 सालों से बहुत ज्यादा खबरें मीडिया कवर करने लग गया कि यहाँ पे डॉग बाइट हो रहा है, वहाँ डॉग बाइट हो रहा है, ये अग्रेसिव फीरियस डॉग है, सोसाइटी में इनको नहीं रहना चाहिए। हमने जगह जमीन जंगल तो इनसे छीन लिया, साथ ही साथ हम इनसे सड़क भी छीनने वाले हैं, क्योंकि हमने सोल्यूशन निकाला है और उसके हिसाब से इनको केजेस में करके, रूम्स में बंद करके किसी शेल्टर में पटक देना चाहिए, जिसका नाम डॉग फार्म दिया गया है। तो मैं डॉग फार्म का विरोध करती हूँ, क्योंकि हमने बहुत बुरा कर दिया है अभी तक डॉग्स के साथ में। अब ऑन नहीं, बस दिस इज इनफ। अब जबकि इन्होंने अपने आप को हैबिटेट कर लिया है सड़क पर रहने के लिए, तो अब इनको एटलीस्ट फ्री तो रखना ही रखना चाहिए। बेसिकली हमें ट्रेन होने की जरूरत है डॉग्स से पहले, और हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है डॉग्स, वो कहीं नहीं जाएंगे और ना कहीं जानी चाहिए। तो मैं डॉग फाउंड का कड़े रूप से विरोध करती हूँ। #SayNoToDogFounds योर ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिस भी माध्यम से आप लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज सरकार को अनुरोध कीजिए कि वो डॉग फाउंड बनाने का जो भी विचार कर रहे हैं वो सही, वो पूरी तरीके से गलत है और वो खत्म हो जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप लोग मेरा समर्थन करते हैं तो प्लीज स्पेशली ट्विटर पे शाम को 6 बजे से 7 बजे तक #SayNoToDogFound #hashtag को ट्रेंड कराइए, ताकि सरकारों तक बातें पहुंच सके और फाउंड बनने का ये जो सपना या जो भी प्लानिंग है वो नाकामयाब हो गए और डॉग्स हमारे कम्युनिटी में फ्री घूम सके। थैंक यू।